नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक बेहतरीन पर्यटन स्थल की, जिसका नाम है महाबलेश्वर। इस वीडियो में हम जानेंगे महाबलेश्वर का पूरा इतिहास और महाबलेश्वर के सारे पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं महाबलेश्वर के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घने वनों के बीच बसा महाबलेश्वर आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। समुद्री सतह से ऊंचे पर्वत पर स्थित होने और घने जंगलों की गोद में बसने के कारण यहाँ का तापमान हमेशा सर्द होता है, पर समुद्र से अधिक दूर न होने से हवा में गर्माहट बनी रहती है। विविध फूल, फल, प्राणी, पक्षियों से समृद्ध जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महाराष्ट्र का राज्य प्राणी शेखरू भी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। शहद और गेहूं संशोधन केंद्र भी यहाँ दर्शनीय है। प्रतापगढ़, वासोटा, मधुमकरंदगढ़, पांडवगढ़, केंजलगढ़, कांगोरी गढ़ यहाँ से समीप होने से ट्रेकर्स के लिए यह स्थान प्रिय रहा है। यहाँ बारिश भारी मात्रा में होती है, मगर वर्षा काल में भी इसका अनूठा सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। घने कोहरे में गुमराहे अनगिनत झरने, ढेरों किस्म के फूलों का मजा लेते हुए घूमना रोमांचित करता है और इस पर सुहागा होता है गर्मा गर्म चाय और भुना हुआ भट्टा। ट्रेकिंग, हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग तथा अनेकों खेल सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक बड़ी मात्रा में आकर्षित होते हैं। महाबलेश्वर के आसपास के प्रदेश में है कास, जो वैली ऑफ फ्लावर्स की बराबरी में अतुल्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ सितंबर से अक्टूबर काल में सैकड़ों प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिसे देख कश्मीर याद आता है। समुद्र सतह से 4710 फुट जितनी ऊंचाई पर बसा महाबलेश्वर प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी यह तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन स्थल के रूप में अग्रणी है। यहाँ श्री अतिबलेश्वर तथा महाबलेश्वर के प्राचीन मंदिर है। यही पर चंद्रराव मोरे द्वारा बनवाया भव्य पंचगंगा मंदिर भी है। अंग्रेजों को जब भारतीय वातावरण की गर्मी असहनीय हो गई, तब उन्होंने सह्याद्री की ऊंची पर्वत श्रृंखला पर बसे तीर्थ क्षेत्र महाबलेश्वर की सर्द सुहानी हवा देखकर पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसका विकास किया। आज भी महाबलेश्वर में आर्थर सीट पॉइंट, केट्स पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट, विल्सन जैसे कई अंग्रेजी नाम के स्थान हैं। वेन्ना जलाशय यहाँ की बोटिंग की सुविधा के कारण सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। वर्षा ऋतु में धोबी, चाइनामन तथा लिंगमाला जैसे जलप्रपात झरने अपनी सुंदरता से सैलानियों को मोह लेते हैं। घने जंगलों से घिरे इस शहर की खास पहचान है यहाँ का माल रोड या बाजार। सैलानियों के रहने तथा खाने की सुविधा हेतु यहाँ अनेकों होटलों तथा लॉन्जेस बने हैं। महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडल की ओर से अच्छी सुविधाओं से युक्त यात्री निवास भी है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर तापोळा बोट क्लब है। महाबलेश्वर पहुँचने के लिए आज अनेकों पर्याय उपलब्ध हैं। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर जैसे अनेकों शहरों से यहाँ के लिए लग्जरी बसें तथा छोटी बड़ी गाड़ियों और ST महामंडल की बसों के कारण महाबलेश्वर पहुँचना आसान हो गया है। आज भले ही महाबलेश्वर में लाखों सैलानी आते हो, पर यहाँ आने वाले प्रथम पर्यटक के रूप में दर्ज है नाम देवगिरी के राजा सिंघन का। ईस्वी सन 1210 में राजा सिंघन देव ने पन्हाड़ा के शिलाहार घराने के दूसरे भोज राजा को पराजित कर कोल्हापुर सातारा प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किया। राजा सिंघन देव कालीन हेमाद्री पंत ने यहाँ कई मंदिर बनवाए जो अपनी विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध है। 1215 में देवगिरी के सम्राट ने यहाँ के महादेव
कोली लोगों की सहायता से मंदिर निर्माण किया। यादव काल के पश्चात शिर्के तथा जावली के मोरे घराने के पास स्थान की सत्ता थी। चंद्रराव मोरे ने यहाँ पर पंचगंगा के भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1644 में समर्थ रामदास जी ने यहाँ हनुमान मंदिर बनवाया। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली इलाके कब्जे में लिया। 1659 में अफजल खान के वध के समय वे इसी जंगल में रहे थे। यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जनवरी 1665 के दिन अपनी माता जीजाबाई साहेब तथा पंतप्रधान सोनोपंत डबीर की सुवर्ण तुला का समारोह संपन्न किया था। दिनांक 14 दिसंबर 1791 को मराठों के पेशवा सवाई माधवराज महाबलेश्वर आए थे। उनके साथ चार्ल्स मैलेट तथा प्राइस यहाँ अंग्रेजी अधिकारी भी आए थे। इसी दिन से श्री क्षेत्र महाबलेश्वर का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के कदम यहाँ पधारे और महाबलेश्वर के इतिहास में सुनहरे पन्ने की शुरुआत हुई। देवगिरी के सम्राट सिंहदेव ने महाबलेश्वर का तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकास किया था और अंग्रेजों ने इस पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास किया। यूरोप के सर्द वातावरण में रहने के आदि अंग्रेज ऐसे ही किसी ठंडे मौसम के क्षेत्र की तलाश में थे। 1791 में चार्ल्स मैलेट ने यहाँ सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह ने यहाँ आरोग्य सदन स्थापित किया। प्रताप सिंह छत्रपति के आग्रह से जनरल पी लॉडविक ने 1824 के गर्मियों में महालमेश्वर यात्रा की। कोकण प्रदेश की ओर एक स्थान को उन्हीं का नाम पड़ा है। सन 1826 में कर्नल ब्रिज ने महाबलेश्वर में एक भवन बनवाया। यही महाबलेश्वर की पहली निवासी इमारत थी। इसी काल में छत्रपति महाराज ने सातारा मेढ़ा केवघर महाबलेश्वर यह रास्ता बनवाया। सन 1827 में गवर्नर सर जॉन मालकम ने महाबलेश्वर यात्रा की। उन्होंने सैनिकों के लिए अस्पताल बनवाया तथा इसे निवासी शहर के रूप में बसाने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें इस स्थान के वातावरण का परीक्षण करना था। सर जॉन मालकम ने सातारा के छत्रपति को खंडाला तथा शिरवळ यह गांव देकर बदले में महाबलेश्वर हासिल किया, यह शहर बसाया। उनके इस कार्य की प्रशंसा के लिए यह मालकम पेट नाम से बाजार बसाया तथा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अनेकों योजनाओं का विकास किया। सन 1830 में महाबलेश्वर से महाड़ तक रास्ता बनाया गया और देश से कोकण में यातायात का आरंभ हुआ। इस रास्ते का नाम था फेजेरॉल्ड घाट। सन 1830 में ही चीन और मलाया देश के कैदियों को यहाँ रखा गया। उन कैदियों ने लाल आलू, सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी के बाग बगीचे बसाए। बांबू से टोकरियां बुनने का काम वे करते थे। सन 1864 में कैद खाना बंद होने पर इन कैदियों ने अपने देश में जाकर यही रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रोत्साहन से महाबलेश्वर विकसित होता गया। सन 1867 में महाबलेश्वर गिरिस्तान नगर पालिका की स्थापना हुई। दिनांक 16 मई 1899 में सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह महाराज ने एक स्वतंत्र करारनामे के अनुसार महाबलेश्वर तथा पंचगनी क्षेत्र अपने राज्य से अलग कर अंग्रेजों को सौंप दिया। हर साल मई के महीने में अंग्रेज गवर्नर महाबलेश्वर में आकर विश्राम करते थे। सन 1946 में कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी यहाँ रहे थे। जैसे जैसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में यह प्रसिद्ध होने लगा, यहाँ सुविधाएं बढ़ने लगी, साथ ही स्थानीय लोगों का भी विकास होने लगा। आज सैलानी यहाँ आकर प्रकृति सौंदर्य का मजा तो लेते ही है, साथ ही अन्य सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। बस हमें यह सदैव ध्यान में रखना होगा कि यह भूमि संत महात्मा के वास्तव से शूरवीरों के सानिध्य से पावन बनी है। क्षेत्र महाबलेश्वर, इस स्थान को प्राचीन महाबलेश्वर कहते हैं। महाबलेश्वर के उत्तर में 5 किलोमीटर की
दूरी पर पुराना मंदिर है। यादव सम्राट सिंगन से चंद्रराव मोरे, छत्रपति शिवाजी राजे तक अनेकों ने मंदिर में सुधार करवाए। प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध अति बलेश्वर तथा महाबलेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर यहाँ हम देख सकते हैं। इस क्षेत्र में कृष्णा, वेन्ना, कोयना, गायत्री तथा सावित्री इन पांच नदियों का उगम होता है। चंद्रराव मोरे द्वारा बनवाया भव्य पंचगंगा मंदिर दर्शनीय है, जिसमें दो विशाल जलकुंड है। पास ही समर्थ रामदास द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर है। राम मंदिर, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया सुंदर शिव मंदिर अवश्य देखने जैसे है। समर्थ रामदास के शिष्य दिवाकर भट्ट, महाबलेश्वरकर गोसाई जी का मठ तथा पूर्व की ओर कृष्णाबाई मंदिर भी दर्शनीय है। इन सभी मंदिरों से यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मंदिरों के आसपास का परिसर पूजा साहित्य की छोटी बड़ी दुकानों से सजा हुआ है। विल्सन पॉइंट, यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा बस देखने लायक होता है, मन बांध लेता है। इसी से यह सनराइज पॉइंट के रूप में जाना जाता है। मुख्य बाजार से 2.5 किलोमीटर दूरी पर बसे इस स्थान से वेन्ना नदी की घाटी का मनोहारी दृश्य देखा जा सकता है। गाड़ियाँ इस स्थान तक पहुँचने के लिए रास्ता बनवाया गया है। लिंगमा जलप्रपात, महाबलेश्वर पांचगनी के मार्ग पर मेटगुताट गांव के पास यह जलप्रपात है। लगभग 500 फुट गहरी खाटी में छलांग लगाता यह जलप्रपात ऐसा देखता है जैसे दूध की धारा बह रही हो। घनी गर्द हरी झाड़ियां, कोहरा और जलप्रपात से यह समा हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। विल्सन पॉइंट से लिंगमाला के लिए जाना आसान है। केट्स पॉइंट, महाबलेश्वर से पांचगनी के मार्ग पर 4 किलोमीटर दूरी पर बाई और जाने वाले रास्ते पर 3 किलोमीटर के अंतर पर है केट्स पॉइंट। सर मालकम की कन्या केट के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। धूम बांध, कमलगढ़, पांडवगढ़, मांढर देवी तथा कृष्णा घाटी का मनोहारी दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। निडल होल, यह स्थान केट्स पॉइंट के दाएं है। पहाड़ी शिखर के छोर पर प्राकृतिक रूप से एक बड़ा सा छेद बना है। दूर से वह सुई के छेद सा दिखता है, बस इसी से यह निडल होल कहलाता है।
इको पॉइंट एड्स पॉइंट के बाय इको पॉइंट है। इस उच्च स्थान पर खड़े होकर घाटियों का विस्तीर्ण प्रदेश दिखाई देता है। यहाँ खड़े होकर आवाज लगाने से विस्तीर्ण घाटियों की गहराइयों से अनेक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जिससे यह इको पॉइंट कहलाता है। प्रताप सिंह उद्यान सुप्रसिद्ध वैनालक के पास नगरपालिका ने बेहद सुंदर तरीके से बनवाए यह उद्यान नन्हे मुन्ने के लिए अनेकों खेल साधन विविध प्रकार के फूल यहाँ देख पाते हैं। वैनालक के पास बनाया गया यह बाग वातावरण को नई रौनक देता है। वेनालेक सैलानियों का अत्यंत प्रिय स्थान है। यह महाबलेश्वर आने वाला हर यात्री यहाँ अवश्य आता है। वेन्ना नदी पर बांध डालकर रुके पानी से बना यह जलाशय यात्रियों को नौका विहार का आनंद भी देता है। चारों ओर से ऊंचे पर्वत और घने जंगलों के बीच उद्यमान यह झील बेहद मनोरम स्थान है। विविध खाद्य पदार्थ तथा वाहनों के पार्किंग की अच्छी सुविधा है। यहाँ विविध खेलों की दुकानें हैं। हर शाम बिजली के दियों की जगमगाहट तथा पानी के फव्वारे से यह स्थान सबके आकर्षण का केंद्र बना है। वेनालिक के बाहर आते ही आपको एक ग्राउंड पर बहुत सारे घोड़े दिखाई देंगे। यहाँ आप घुड़सवारी का आनंद उठा सकते हैं।
आर्थर सीट पॉइंट श्री क्षेत्र महाबलेश्वर से 6 किलोमीटर आगे यह स्थान है। आर्थर मैलेट की याद में यह नाम पड़ा है। आर्थर मैलेट की पत्नी इंग्लैंड यात्रा से लौटते समय बानकोट के पास नाव डूबने से जान गंवा बैठी। इसी स्थान से पास सावित्र नदी का उगम होता है और बानकोट में वह समुद्र में समा जाती है। इसी कारण लेखक आर्थर मैलेट इस स्थान पर बैठकर नदी की घाटी को ताकते यादों में खो जाते। जिस स्थान पर वे बैठते तथा लेखन करते उसी को नाम मिला आर्थर सीट। पहले यह केवल छोटा सा चबूतरा था, अब सैलानियों की सुविधा के लिए बड़ा और ऊंचा चौथरा बंधवाया गया है। यहाँ से सावित्र नदी की घाटी तथा रायगढ़, तोरणा, कांगोरी, चंद्रगढ़ जैसे स्थान दिखाई देते हैं। कोकण घाटी का मनोहारी दृश्य मन को जैसे निरामय सुकून देता है। टाइगर स्प्रिंग आर्थर सीट की ओर जाते समय मार्ग में यह झरना बहता दिखाई देता है। यह सदैव पानी से झलकता रहता है। कहते हैं कि यह सावित्र नदी का गुप्त प्रवाह प्रकट होता है। रात्रि के वक्त चीते शेर यह पानी पीने आते हैं, जिससे इस झरने को टाइगर स्प्रिंग कहते हैं। कैसल पॉइंट आर्थर सीट के पास एक बड़ा कैसल रॉक दिखाई देता है, जहां से नीचे की घाटी तथा परिसर का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। सावित्री पॉइंट कैसल रॉक के पास है सावित्री पॉइंट। हे सावित्री का उद्भव तथा नदी की विशाल घाटी यहाँ से दिखाई देती है। कोंकण क्षेत्र के पोलतपुर महाड़ तक का क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है। मार्जोरी पॉइंट सावित्री पॉइंट के पास दक्षिण की ओर है मार्जोरी पॉइंट। छोटी सी पहाड़ी पर बने इस स्थान तक पहुंचने के लिए थोड़ी दूर तक चलकर जाना पड़ता है। ऊपर पहुंचने पर पता चलता है कि हम एक ऊंचे शिखर पर खड़े हैं। पल भर के लिए मन कांप उठता है, पर सामने सावित्री की घाटी तथा दूर तक फैला मनोरम नजारा देखकर मन खिल उठता है। एल्फिस्टन पॉइंट मार्जोरी पॉइंट के दक्षिण में ऊंची पहाड़ी पर बने इस स्थान तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनी है। मुंबई राज्य के गवर्नर एल्फिस्टन के नाम से इसे जाना जाता है। यह से दिखाई देता है प्रतापगढ़ गर्दगनी पर्वत राशि में बसा यह स्थान मन को मोह लेता है।
हंटर पॉइंट, यहाँ पहुँचने के लिए पैदल जाना पड़ता है। कैनॉट पीक की तरफ जाने वाले रास्ते से 1 से 1.5 किलोमीटर चलने पर हम हंटर पॉइंट पहुँचते हैं। यहाँ से कोयना नदी की घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। धोबी जलप्रपात, यहाँ भी पैदल जाना पड़ता है। हंटर पॉइंट से बाएं चलने पर छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर झरना दिखाई देता है। दूर तक फैली पर्वतमाला, गहरी घाटियाँ और कोयना का बहता जल मन मोह लेता है। लॉडविक पॉइंट, महाबलेश्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित जनरल लॉडविक की स्मृति में बना यह स्थान। यहाँ जॉन लॉडविक के पुत्र ने एक स्मृति स्तंभ खड़ा किया है। सनसेट पॉइंट, यहाँ से सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देख सकते हैं। प्राचीन महाबलेश्वर मुंबई मार्ग पास ही होने से इसे मुंबई पॉइंट भी कहा जाता है। आसमान से उतरते बादल और उनमें अस्त होता सूरज एक अलौकिक अनुभूति देता है। यहाँ से भी प्रतापगढ़ दिखाई देता है। अनेकों खेल तथा खाद्य पदार्थ के ठेले उपलब्ध होने से प्रति शाम को यहाँ भारी भीड़ होती है। चाइनामन जलप्रपात, मुंबई पॉइंट तथा मधुसागर से यहाँ पैदल जा सकते हैं। कुछ चीनी कैदियों को बगीचे के कामों के लिए यहाँ लाया गया था, जिसके कारण यह नाम पड़ा है। यह जलप्रपात दर्शनीय है। वैक्स म्यूजियम, महाबलेश्वर से सातारा मार्ग पर बगदाद पॉइंट की ओर जाने वाला रास्ता दाई तरफ जाता है। इसी रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने पर मोरेश्वर गांव में यह म्यूजियम बना है। मोम से बनी हजारों वस्तुओं का प्रदर्शन यह देखा जा सकता है। अनेकों विधा की रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ, वस्तुएँ तथा पुतले है यहाँ।
प्रतापगढ़। इस गढ़ को पहले ढोरप्या पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली प्रदेश जीतकर यहाँ अपनी धाक जमाए रखने के लिए मोरोपंत द्वारा एक गढ़ बंधवाया। जावली का यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है। इसी गढ़ पर 10 नवंबर 1661 के दिन शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। आज भी गढ़ के नीचे उसकी कब्र हम देख सकते हैं। सन 1661 में शिवाजी महाराज ने भवानी माता की गढ़ पर स्थापना की। प्रतिवर्ष ललिता पंचमी के पर्व पर यह बड़ा उत्सव होता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्तों की भीड़ से गढ़ सजा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पूजित स्फटिक शिवलिंग पारस मंदिर में रखा गया है। मंदिर का सभा मंडप अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से बनाया गया है। सामने भव्य दीपमाला है। भवानी माता की प्रसन्न मुख मूर्त मंत्रमुक्त कर देती है। यहीं पर केदारेश्वर मंदिर, शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला तथा उसके आसपास बना बाग प्रेक्षणीय है। गढ़ की बुर्ज तथा मीनारे मजबूत बंदी है। पानी की आपूर्ति के लिए यह कई जलाशय बनी है। अफजल, यशवंत, रेड़का जैसे बुर्ज आज भी अपनी प्राचीन शान शौकत की झलक दिखाते हैं। आज भी गढ़ के मुख्य द्वार सूर्योदय से पूर्व खोले जाते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद किए जाते हैं। प्रतापगढ़ की कमान से जाते हुए थोड़ी देर में आगे हमें लगता है बहुत ही अच्छा कृत्रिम बनवाया गया गांव जिसका नाम है शिवकालीन खेड़े गांव। इस गांव में शिवाजी महाराज के वक्त के गांव का वर्णन किया है। इस मूर्तियों के देखकर हमें शिवाजी महाराज के काल के गांव की याद आती है और ये मूर्तियां इतनी अच्छी बनी है कि इन्हें देखकर हमें सच में वह होने का एहसास होता है।
पंचगनी। महाबलेश्वर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह स्थान सैलानियों का प्रिय ठिकाना बना है। 5 पहाड़ियों में बसा होने से इसे पंचगनी कहा जाता है। इस शहर को अंग्रेजी अधिकारी जॉन चेसन ने बसाया था। यहाँ के बागों में स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी बड़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ की आबोहवा बढ़िया है। यहाँ महाबलेश्वर से कम वर्षा होती है, जिससे यह 12 महीने सुखदायक वातावरण होता है। इसी कारण यहाँ साल भर सैलानियों की भारी भीड़ होती है। देहरादून की तरह यहाँ अनेक विद्यालय है। टेबललैंड आशिया खंड की दूसरे विशाल समतल मैदान के रूप में इसे जाना जाता है। 4 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल का समतल मैदान यह देखा जा सकता है। ऊंचे पहाड़ पर बना यह समतल मैदान प्रकृति का एक अनोखा रूप है। ऊपर तक गाड़ियां पहुंचती है। टेबललैंड के चारों तरफ से गहरी घाटियों का नज़ारा देख पाते हैं। पंचगनी शहर जैसे टेबललैंड की गोद में ही बसा हो। ऊंचाई से धोमधरन, वाई, कृष्णा घाटी तथा पंचगनी जैसे अनेक स्थान देखे जा सकते हैं। ऊपर विविध खेल तथा खाद्य पदार्थ के ठेले तथा दुकानें हैं। यहाँ घोड़े तथा तांगे की सवारी का मजा उठाया जा सकता है। टेबललैंड की पर्वत राशि में एक प्राकृतिक गुफा है। यहाँ आजकल एक होटल चलाया जाता है। इस गुफा का वातावरण बेहद शीतल है। मैदान पर कई जगह बड़े बड़े पत्थर चूल्हे के आकार की रचना से लगते हैं, जिससे इसे डेविल्स किचन कहते हैं, यानी कि शैतान की रसोई। मैप्रो गार्डन महाबलेश्वर। मैप्रो गार्डन में बहुत सारे सैलानी आते हैं। महाबलेश्वर में आने के बाद मैप्रो गार्डन में जाना उनकी पहली पसंद रहती है। मैप्रो गार्डन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें मुख्यतः प्रोडक्ट्स स्ट्रॉबेरी के रहेंगे, जिसमें आपको जाम, सिरप्स, चॉकलेट्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। यहाँ चॉकलेट्स, शेक्स और यहाँ का मेन आकर्षण है यहाँ मिलने वाला बड़ा सैंडविच। मैप्रो गार्डन पंचगनी। यह मैप्रो गार्डन बहुत बड़ा है, बल्कि यह बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यह प्लांट खाकरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि सिर्फ यहाँ पे खाकरा का उत्पादन होता है। यहाँ भी आपको फूड कोर्ट मिलेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि जाम्स, सिरप्स, चॉकलेट्स। यह फार्म के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पर आपको बेहद फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे। यहाँ की खास बात और है कि यहाँ पे फ्रेश होल व्हीट का चपाती का मशीन है, जहाँ पे बहुत सारी चपातियाँ बनाई जाती है। कास पैटो फ्लावर्स प्रकृति का एक महत्ता चमत्कार देखना हो तो कास अवश्य आना होगा। हर साल सितंबर से अक्टूबर के काल में यह पहाड़ी माथे पर हजारों प्रजाति के विविध रंगों के फूलों का अनुपम नजारा देखने मिलता है। अनेकों औषधियों का यहाँ जैसे भंडार है। सातारा तथा महाबलेश्वर मार्गों से कास जा सकते हैं। पास ही यवतेश्वर मंदिर है। कास जलाशय से ही सातारा शहर को जल आपूर्ति की जाती है। बरसात में जलाशय का पूरा परिसर रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है। हजारों रंगढंगे फूल यहाँ देखे जा सकते हैं। अनेकों दुर्लभ प्रजाति के फूल यहाँ पाए जाते हैं। वैसे ही अनेकों किस्म की तितलियाँ भी देखी जाती हैं। दिसंबर से अक्टूबर के काल में यहाँ फोटोग्राफी तथा फूल और वनस्पति का संशोधन करने यात्री आते हैं। उत्तर भारत की वैली ऑफ फ्लावर्स की तर्ज पर इस स्थान को प्लेट ऑफ फ्लावर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ के दुर्लभ फूल तथा वनस्पतियों की रक्षा हेतु इस स्थान को नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। बरसात के बाद प्रतिवर्ष इस स्थान को हजारों सैलानी आते हैं। यहाँ के फूल तथा तितलियाँ संशोधकों तथा पर्यावरण प्रेमियों का तांता मंडा रहता है।